जो INR है ये ओहो कैश पर जो INR है, डिपॉजिट और विड्रॉल तो आपका लिमिट खत्म हो गया है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, लेकिन डिपॉजिट कब से शुरू हो जाएगा? डिपॉजिट एक्चुअल में थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। मैंने सर पहले बताया कि मैं पहले करता हूँ बाद में इसलिए करता हूँ, बट इस वीक के अंदर डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाएंगे। हम सबसे बड़ी चीज क्या कर रहे हैं, अगर हमें कॉइन की डिमांड इंक्रीज करनी है तो हम लोग जितने भी कॉइन परचेज होंगे सारे मैं कॉइन ट्रांसफर कर दूंगा आप लोगों के, जितने भी मैक्सिमम कॉइन है ओहो कैश के ऊपर, जो भी आईडी आप लगाएंगे, जो भी आप डिपॉजिट करेंगे कॉइन को, लीगली भाषा में डिपॉजिट कहते हैं इस कॉइन को, आप हमारे सिस्टम क्रिप्टो इनबॉक्स जब आप डिपॉजिट करेंगे तो परचेज ओहो कैश से करेंगे, और जब ओहो कैश से परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड डिमांड बढ़ेगी। मेरा जो लॉजिक है कि जो आज 85 का क्रिप्टो इनबॉक्स रेट चल रहा है उसको कम ना करके ओहो कैश के जो एक्सचेंज पे जो रेट है उसको आप लेके आओ, और उसका आप कैसे आएगा जब कस्टमर वहां पे बाइंग करने के लिए जाएंगे और वहां पे डिपॉजिट करेंगे। जी देखो जी, अभी तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि मिसलेनियस अकाउंट में काउंट करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पहले से टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप बताओ कितनी इनकम आपने की है, तो जो टैक्स की लाइबिलिटीज है आपने कितने में परचेज किया है कितने में सेल किया है वो आपको टैक्स भरना है, और आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैंने इतना 30% जो भी है सीए ज्यादा मालूम होगा, जयसवाल जी कितना परसेंट टैक्स है इसके ऊपर? अभी एक्चुअल में रियल में ऑफिसरों को डिपेंड है, कोई 30% ले रहा है, कोई 20% ले रहा है, तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कितना परसेंट टैक्स है, बट वो आपको, मैं तो सिर्फ इतना काम करूंगा कि इतने मैंने कॉइन परचेज किया इतने मैंने सेल किया, वो डाटा मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है संस्था के ऊपर कि जो भी फॉर्म है आपकी वो कितना रुपया। एक तो टैक्सेशन के ऊपर जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो जो ट्रांजेक्शन के चार्जेस आप चार्ज करोगे उसका रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% हम जीएसटी भर रहे हैं उसके ऊपर, जो 0.20% हम चार्ज कर रहे हैं। अब समस्या ये है, मैं तो ले रहा हूँ कॉइन में, अब मैं INR कैसे पे करूँ? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उस दिन का भाव निकालते हैं कि आज का रेट INR में ये है, उतना हम जीएसटी भर रहे हैं उसका रिबेट आपको मिलेगा, जो इनवॉइस है वह आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मंथली ट्रेडिंग इनवॉइस है 27 तारीख को आपको इनवॉइस मिल जाएगा। उसमें आपने देखा होगा 0.20% के साथ में 36 भी आता लिखा हुआ, वो प्लस टैक्स है जीएसटी के साथ में। अच्छा, एक आपके जो आपने कहा था कि जितने भी जो एजेंट बनेंगे रिवार्ड बनेगा, 8 पॉइंट पे आएगा उसको 6% ऑफ द कंपनी मिलेगा, फिर 7th पे, 8th पे, 9th पे, अब हम देख रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, वो क्या? तो जो है देखो, गाना पिक्चर में कौन सी पिक्चर थी ना, वो मैंने प्यार किया था, वो कुछ ऐसी पिक्चर थी, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे शायद, उसमें गाना चलता है कि भाई ये आदमी सास ऐसी है, बहू ऐसी है, भाई ऐसा, कौन सी है ना वो, कुछ ऐसी है, हम साथ साथ हैं, तो उसमें एक जब वो शक्ति कपूर होता है ना उसके बारे में बोला जाता है कि ये कैसा है, शक्ति कपूर बोलता है किसी के बारे में तो वो बोलता है ये सब चोखा है, इसको कुछ मालूम नहीं है, बहुत सीधा साधा है। तो मैं इतना सीधा नहीं हूँ, बट ये फैक्ट बात है कि हुआ क्या कि जब ये घटना घटी तो मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि भाई सारा सारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, जो 84 करोड़ पड़ा हुआ है, अब डिपार्टमेंट कहता है मुझे टैक्स का पैसा चाहिए, 100% सही बात, ले जाओ जी। अब जो नेटवर्क के हिसाब से किसी को टूर कर रहा था, क्योंकि मैं टूर चालू कर रखे थे उस टाइम पे जा ही रहे थे, लेकिन पैसा ही नहीं था, बैंक में पड़ा है, जिस दिन वो खुल जाएगा एक साथ सबके रिवार्ड रिवार्ड जो टूर हो रहे हैं सब एक साथ ही कर देंगे, सब गाड़ी वाड़ी ये सही बताऊँ, दिल की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत प्लेन होके मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि लोग इंजॉय करें, और जब लोग इंजॉय करेंगे ना वो किसी भी तरीके से, मतलब जाने अनजाने में किसी का दुख ना हो मुझसे। अब लोग ये कहें कि भाई नहीं सुभाष भाई तुम बहुत ज्यादा प्रेशर आता है किसी भी चीज में, तो मैं भी उसको समझ सकता हूँ।